ब्रेकिंग खबर से आपको रूबरू कराएंगे। रातू थाना क्षेत्र से पुलिस ने दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। चोरी की घटना को अंजाम देकर ये अपराधी घरों में आग लगा दिया करते थे। रातू इलाके में चोरी के बाद चार घरों में आग लगाई गई थी। लाखों के जेवरात सहित नकद की चोरी हुई थी। लोहरदगा जिला के चोर रहने वाले हैं और दोनों शातिर अपराधी जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पूछताछ में कई खुलासा भी हुआ है। रांची और लोहरदगा में चोरी की घटना को ये चोर अंजाम देते थे। चोरी के जेवरात खरीदने वाला भी लोहरदगा का है, लोहरदगा का जेवर व्यवसायी है और चिन्हित जेवर खरीदने वाले व्यवसाय पर भी होगी कार्रवाई। ये बड़ी खबर। और चोर इतने शातिर ये दोनों चोर है कि जहां चोरी की घटना को अंजाम देते थे सबूत मिटाने के लिए, उस घर को आग के हवाले कर देते थे, आग लगा दिया करते थे। इमरान सहयोगी फोन लाइन पर। इमरान, शातिर चोर, चोरी करते थे, आग लगा दिया करते थे घरों को, पूरी जानकारी चाहेंगे कैसे गिरफ्तारी हुई इनकी। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से पिछले दिनों कई ऐसे कांड देखे गए थे जहां पर रातू थाना क्षेत्र में घरों पर चोरी की घटना को अंजाम दे करके जहां नगद और गहने की चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता था, साथ ही साथ जाते वक्त जो चोर थे, जो साथी थे, वो आगजनी की घटना को भी अंजाम लगा देते थे। घर के सारा सामान जो है आग के हवाले कर दिया जाता था। इस तरह की तकरीबन चार घटनाएं रातू थाना क्षेत्र में हुई थी, जिसके बाद पूरी घटना को लेकर के लगातार रातू पुलिस जो है वो काम कर रही थी। ऐसे में प्रशिक्षु डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। जो टीम ने कार्रवाई करते हुए दो साथी चोर को गिरफ्तार किया गया है, जो की लोहरदगा जिले के सेनहा थाना क्षेत्र के रहने वाले। उनसे जब पूछताछ की गई तो पता चला की ये लोग लोहरदगा जिले में भी कई जगहों पर चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे और भागने के क्रम में आग के हवाले कर दिया जाता था। यहाँ तक कि दोनों साथी चोरों से जब पूछताछ की गई तो मालूम चला कि ये चोर इतने साथी थे कि ये पुलिस को चैलेंज करते थे कि ये कभी पकड़े नहीं जाएंगे, और इस तरह की घटना को अंजाम देने के पीछे का मकसद भी यही था। क्योंकि जिस तरह से चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता था, ज्यादातर घर जो है वो बंद हुआ करते थे, ऐसे में घरों पर रखे खाने और खाना बनाने के सामान, वो सारी चीजों का इस्तेमाल ये लोग करते थे, और उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद बड़ी कामयाबी से कह सकते हैं इमरान, दोनों की गिरफ्तारी, जो ना सिर्फ चोरी की घटना को अंजाम देते थे बल्कि उस घर को आग के हवाले भी कर दिया करते थे जहां ये चोरी करते थे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।